आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भूपेश बघेल कैबिनेट का गठन हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इसी के साथ सरकारी मशीनरी के कामकाज में नए सिरे से तेजी आएगी। सबसे पहले रविंद्र चौबे ने मंत्री पद की शपथ ली। रविंद्र चौबे 7वीं बार विधायक बने हैं। वे साझा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। प्रतापपुर से विधायक चुने गए प्रेम साय सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रेम साय सिंह आदिवासी समाज से चुने जाते हैं। विधायक मोहम्मद अकबर ने भी शपथ ली। मोहम्मद अकबर कवर्धा सीट से विधायक चुने गए हैं। मोहम्मद अकबर ने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने मंत्री पद की शपथ ली। वे सुकमा जिले की कोटा सीट से चुने गए हैं। भाजपा प्रत्याशी धनीराम बारसे को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। कवासी लखमा 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। आरंग से कांग्रेस विधायक शिव कुमार डहरिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। स्थानीय विरोध के बाद उन्हें आरंग से टिकट मिला था। डोंडी लोहारा सीट से कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वे दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2013 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वे तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। अहिरवारा से विधायक गुरु रुद्र कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 41 साल के रुद्र गुरु ने स्नातक डिग्री हासिल की है और उनकी संपत्ति 2.9 करोड़ रुपये है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने खरसिया सीट से ओपी चौधरी को हराया था। वर्ष 2013 में पहली बार विधायक चुने गए थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।